हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। टाइम कितना हो रहा है? मैंने काफ़ी देर से टाइम नहीं देखा। टाइम हो रहा है रात का 11 o'clock। मोबाइल पास में था नहीं, वॉच थी उल्टी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा देख लेती हूँ। रात का 11 बज गया है और ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा ही हो गई है। पापा बेटी दोनों लोग सो गए और मैं गेट बंद करके आ गई हूँ ताकि डिस्टरबेंस ना हो। ये लोग सोए सोए हो गया होगा, इनको 1 घंटे से ऊपर हो गया होगा मतलब। वो लोग सो गए हैं और मैं कर रही थी अपने वीडियोस एडिट। मैंने पूरा दिन आज काम किया है, किचन की डीप क्लीनिंग करी है, उसके बाद मैंने नहाया वगैरह, थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद मैंने 2 वीडियो एडिट किए, एक अपना व्लॉग और एक मम्मी का व्लॉग एडिट किया है। वो करके मैं जस्ट अभी उठी हूँ। मेरा व्लॉग सेव हो चुका था, मम्मी का सेव हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज हुआ ये था कि दिन भर बेटू ने काम नहीं करने दिया था मुझे। ऑब्वियसली बच्चे परेशान करते हैं, तो अभी मुझे थोड़ी सी शांति लग रही है। थकान तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बट फिर भी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा काम कर दूँ। चलिए मैं आपसे वहाँ पर बैठ के थोड़ा सा बात करती हूँ। यहाँ ना अजीब सा लग रहा है मुझे। मैं ये कह रही थी कि हाँ, थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ और मैंने एक चीज़ माइंड लगाई है। अभी बैठे बैठे सोचा है बहुत ज़्यादा। मैंने एक चीज़ का ये माइंड लगाया है कि जो भी सारा सामान है इसको देख करके मेरा सर चकरा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं हॉल में पूरा मतलब क्या बोलूँ, तूफान सा आया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं जो कपड़े हैं वो अलग कर दूँगी। कपड़े अलग करने के बाद जो किचन का है वो किचन में पहुँचाऊँगी, ड्रेसिंग का ड्रेसिंग के पास रखूँगी, स्टडी रूम का स्टडी रूम में पहुंचाऊंगी, इस वाले रूम का इस वाले रूम में पहुंचाऊंगी। तो सारा सामान पहले अपनी अपनी जगह पहुंचा दूंगी, उसके बाद थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा। उसके बाद मैं कल से प्रॉपर जो सफाई है, सामान को अरेंज करना है, वो सारी चीज़ें शुरू करूंगी। इससे क्या होगा ना, अभी रात में मैं इतना कर लूँगी, सारे सामान बस अपनी जगह पहुँचाऊँगी और मैं कुछ क्लीनिंग व्लीनिंग नहीं करने वाली हूँ आज, केवल अपनी जगह सामान पहुँचाऊँगी सारा। तो इससे मुझे थोड़ी सी हेल्प ये मिल जाएगी कि क्या बोलते हैं, सुबह काम करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। हौच पौच नहीं रहेगा कि कहाँ सामान ढूंढे, कहाँ का कहाँ है, कहाँ का कहाँ है, सब अपनी अपनी जगह होगा। बस जो कॉर्नर पकड़ना है वो पकड़ लो और उसको साफ़ कर लो। इतना सा काम मैं सोच रही हूँ भी रात में ही कर लूँ। इतना सारा काम करने के बाद मैं आपको बताऊँ, इतना सारा काम करने के बाद, लैपटॉप पे वर्क करने के बाद, यहाँ पर बैठ करके बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, सारी थकावट दूर हो जाती है। थोड़ी बहुत माइंड में कुछ भी बातें होती हैं वो एकदम क्लीन हो जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अभी ना शाम के टाइम बारिश हो गई थी, यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई थी। ये अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे थे जहाँ पर मैं रहती थी गोविंदपुरी में, ये बोल रहे थे गोविंदपुरी में भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। यहाँ पर भी थोड़ी देर बाद यहाँ पर भी स्टार्ट हो गई बारिश होना, बट यहाँ पर बहुत तेज़ नहीं हुई थी, थोड़ी सी हुई थी। और मौसम बहुत ठंडा ठंडा सा हो गया है, हल्की हल्की बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है वीडियो भी मम्मी वाला सेव हो गया है और अब मैं जा रही हूँ अंदर, थोड़ा सा काम करूँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। उसको करने में ही आई थिंक 1 घंटे से ऊपर तो लग ही जाएगा क्योंकि बहुत सारा सामान है।
उठो नन्नू, चलो गुम्मी करने चलते हैं। नन्नू नन्नू लेटी है और उठने का नाम नहीं ले रही है। मैं सोच रही हूँ नीचे तक हुआ हूँ जा करके, क्योंकि ये चले गए जस्ट अभी थोड़ी देर पहले काम से, और मैं आप देख सकते हैं पर्स भी ले लिया मैंने, बट बेटू बहुत देर से उठा रहे, वो उठने का नाम ही नहीं ले रही है। सो, दूध वगैरह लाना है, दूध फिनिश हो गया, इन्होंने ला करके नहीं लिया, इन्होंने कहा सामने से तुम खुद ही ले आना, अब कहाँ दूर है। सो मैंने कहा वो तो बात ठीक है, बट मैडम है उठने का नाम ही नहीं ले रही हैं। देखते हैं क्या होता है, थोड़ी देर और ट्राई करते हैं। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कॉफ़ी पी के आ जाऊँ, एनर्जी ले लूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करूँ। रात में इतना काम हुआ था, कपड़े खाली छोड़ दिए थे, बाकी सारा जो सामान था वहाँ जहाँ का था वहाँ पहुँचा दिया था, और इसकी जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा हो रही है। सो भाई सोच रही हूँ जल्दी जल्दी काम फिनिश कर लूँ, बट मैडम है उठने का नाम भी नहीं ले रही है वहाँ से। देखते हैं, सारा सब कुछ मैंने जगह पे पहुँचा दिया था, इस रूम में पहुँचा दिया था, और क्या बोलते हैं, आप लोग को मुझे सजेशंस देना कि मैं किस तरीके से सामान रखूँ। सो, थोड़ा सा इतनी छोटी सी हेल्प कर देना। वैसे मुझे पता है मुझे कहाँ क्या रखना है, बट फिर भी हो सकता है मुझसे अच्छा आइडिया आप लोगों के माइंड में हो। कहते हैं ना, एक से भले दो और दो से भले हजारों। सो, इस वजह से आप लोगों के माइंड में भी अगर कोई आइडिया चल रहे हो तो मुझे ज़रूर देना कि मैं घर में किस किस तरीके से सजावट कर सकती हूँ, अपना सामान रख सकती हूँ। और ये देखिए, किचन थोड़ी सी हौच-पौच हो गई है, शाम को कुछ हुआ था यहाँ पर। और ये वाली जो किचन की बालकनी है उसमें भी सारा ये डिनर सेट है, उसमें कांच का सामान पड़ा हुआ है, उधर डस्टबिन रखे हुए हैं। सो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हैं, अभी इसको भी अरेंज करके रखना है। और ये है आरओ जो ऑलरेडी से यहाँ पर था, आरओ जो मेरा वाला है वो अब एक्स्ट्रा हो गया है, तो उसको पैक करके रख देंगे, नेक्स्ट कभी यूज़ करेंगे, फिलहाल तो यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर ऑलरेडी से ये वाला आरओ दिया हुआ है, इसको हम हटा नहीं सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई तो बात अलग है, अदरवाइज इसको हम हटा नहीं सकते हैं। सो, इस वजह से मैंने कहा चलो आरओ है, लगा है तो अच्छी बात है, तो अपना वाला भी आरओ अच्छे से पैक करके मुझे रखना है। सो, ये सारे काम करने हैं आज। बट बेटू चलो नीचे गुम्मी करके आते हैं, वहाँ से चॉकलेट भी ले लेंगे वहाँ से। ठीक है सोना, छोड़ दो, रखो मोबाइल, रख दो सोना, रख दो। मैंने किचन एक सी कर दी है, और ये वाली जो बालकनी है मशीन को अपनी जगह पे लगा दिया है, और थोड़ा सा बस इधर सामान पड़ा हुआ है वो मैं बाद में हटाऊंगी। मशीन को लगाना ज़रूरी था क्योंकि आज मैं साथ साथ कपड़े धुलती जाऊंगी, और मैं आपको बताऊं छोटी सी एक मिस्टेक होगी, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन से धुले कपड़े कौन से बिना धुले कपड़े, सब मिक्सअप हो गया है, और काफ़ी सारे कपड़े हैं जो धुलने वाले हो गए हैं। सो मैं मशीन में लगा दूंगी, एक तरफ कपड़े धुलते रहेंगे और दूसरी तरफ मैं काम करती रहूंगी। सो, अभी मुझे ये जो बड़ा बड़ा सामान है ये मेन अभी मैं बस ऐसे रख दूंगी, उसमें एक कार्टन में कांच का सामान है, इस वाले में जो इधर रखा हुआ है, सो कांच का सामान भी खोल करके रख दूंगी।
बस जल्दी जल्दी आज किचन निपटा देना है पूरा। मैं सोच रही हूँ कि किचन में कोई काम ना रहे, और थोड़ा बहुत जो है वो तो खैर काम तो कभी ख़त्म नहीं होते, हमेशा चलते ही रहते हैं, बट फिलहाल मेन जो काम है वो आज निपटा देना है। कोशिश करूँगी आज किचन हो जाए तो एक हेडक ख़त्म हो थोड़ी सी। और बेटू उस रूम में, उसको खिला पिला दिया है, मैंने भी थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था, उस रूम में लेट करके कार्टून देख रही है। अभी मैंने पानी बाल्टी से भर भर के डाला है, क्योंकि इसका ये जो पिंक वाला पाइप था जो आप मेरे पहले वाले घर में देख रहे थे, वो पाइप मुझे मिल नहीं रहा है काफी ढूंढने के बाद भी। मैं सोचा था, टेंशन फ्री थी एकदम, कि इन लोगों ने ना मशीन के अंदर ही डाल दिया होगा पाइप। मशीन खोली, देखा पाइप ही नहीं था। तो फिलहाल लगाऊंगी मैं 3 मशीन कपड़े, एक अपने और एक बेटू के और एक इनके, एक एक बार तीनों, कम से कम पहनने का थोड़ा सा जो है वो हैडक खत्म हो जाए। सबसे पहले मैं अपने लगाने जा रही हूँ, उसके बाद इनके और बेटों के लगा दूंगी। तो चलिए, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, ऊपर से पानी डाल करके फुली ऑटोमेटिक मशीन कैसे ऑपरेट कर लेते हो? तो उसका सिंपल सा आंसर है, मैं पूरा जो फंक्शन होता है वो सेट कर लेती हूँ, उसके बाद ये आप गेट देख सकते हैं, ये ओपन हो जाता है, आप यहाँ से स्टार्ट एंड पॉज भी कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट एंड पॉज कर करके पानी डालती रहती हूँ और कपड़े डालती रहती हूँ। तो आप स्टार्ट एंड पॉज सिंपल है, आप करके आप ऊपर से भी पानी डाल सकते हैं और धुल, मेरी आदत पड़ चुकी है एक्चुअली, मैं 2 सालों से ऐसे ही धुल रही हूँ, तो इस वजह से मेरी आदत पड़ चुकी है ऐसे कपड़े धुलने की। ये जो दो अभी मैंने आपको दिखाए ड्रॉर, इनको क्लीन करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई, मेरे हाथ भी दुखने लगे। ये देखिए, पता नहीं क्या क्या हो गया, आपको दिख रहा है कि दिखाऊँ? ये देखिए, ये देखिए, मेरे हाथ भी गंदे हो गए कितने, ये भी हाथ गंदा हो गया, ये भी पूरा हाथ गंदा हो गया। मतलब आई डोंट नो, जो लोग पहले रह रहे थे वो इसको यूज़ नहीं कर रहे थे या फिर ऐसे यूज़ कर रहे थे, मैं कुछ नहीं कहूँगी। इसमें बहुत सारी मिट्टी थी, पूरा ये आपको जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, पूरा काला काला था। इसको मैंने कैसे क्लीन किया, एक तो वो इतना अंदर है, हाथ डाल रही हूँ तो हाथ में चोट लग रही है, गंदा हो रहा है, पर मैं तो ऐसे में बर्तन रख ही नहीं सकती हूँ, ऑब्वियसली वो बर्तन रखने के लिए, प्लेट्स रखने के लिए है। सो मैंने उसको अच्छे से क्लीन किया 2-3 बार डेटॉल के पानी से और 2 कपड़ों से, एक इस कपड़े से और ये रहा डेटॉल का पानी, इससे अच्छे से क्लीन किया। मैं कोई गंदगी का रिस्क नहीं ले सकती थी, तो इसको करते करते मुझे बहुत थकावट हो गई है, हाथ दुखने लगे हैं मेरे, देखिए पूरे काले हो गए। सो मैं जो है, बेटू खेल रही है अंदर खिलौनों से,
आपने डाल लेती है। हाँ हाँ, 2 मिनट रुको, अभी दे रही हूँ। इधर देखो, नन्नू ने आज नौ नौ ड्रेस पहनी। आज नन्नू ने नाव नाव किया था ना शाना, आज नाव नाव किया था नन्नू ने। और नन्नू के नखरे तो बैठे नहीं है, बैठे नहीं मेरे पास। यही सारे काम हैं। अब कल से धुलाई स्टार्ट होगी। बहुत सारे कपड़े धुल गए हैं, बट फिर भी जब कपड़े फैले होते तो देखिए क्या हालत होती है। ब्लैंकेट वगैरह सारे, सर्दी के जैकेट स्वेटर सब कुछ मुझे पैक करना है, क्योंकि ऑब्वियसली सर्दियां जा रही हैं इस वजह से, तो सारा धुल धुल के मैं पैक करूंगी। हेलो हेलो, कुछ नहीं, काम कर रहे हैं और क्या करेंगे। मेरे पति देव का कॉल आ गया। हाँ काम कर रही हूँ, आपको दिखा देती हूँ कितना काम हुआ है। ये किचन इतनी सेट हो गई है, अभी बस ऐसे ही सामान रख दिया है, और ये यहाँ पर ऐसे सामान लग गया है इधर वाले में, इस तरीके से लगा दिया है। नन्नू क्या कर रही हो, इधर आओ। नन्नू के ड्रामे देखिए आप, इधर आओ नन्नू। जैसे चोर नहीं चोरी करने आते वैसे इसने जाली, ये क्या किया शोना। ड्रामे करवा लो, ड्रामे तुमसे केवल, ड्रामे करवा लो ना शोना। इतनी अच्छी लग रही है। इसके ड्रामे देखे, जैसे चोर नहीं चोरी करने आते घर में जाली वाली लगा के टीवी में, वैसे ही बन गई है। हाँ टाइम हो गया 5:15, मैंने इतनी देर से टाइम भी नहीं देखा, मोबाइल ही नहीं टच किया था। अभी इनका फ़ोन आया, एक्चुअली ये पूछ रहे थे मुझे कपड़े सुखाने वाली जो रस्सी होती है वो मंगानी है, वहाँ पर जो थी वो एकदम ख़राब हो चुकी थी, तो मैं वहीं पर छोड़ करके आ गई। और किसी ने मुझे कमेंट किया था, मैं नाम भूल गई हूँ, कि आप अपनी क्लिप छोड़ के जा रहे हो कपड़ों वाले से। नहीं, मैं वो क्लिप रख लाई थी, मैंने नहीं छोड़ी। कपड़े मेरे इस तरीके से सूख रहे हैं, ये जो डोरी बंधी है ना, ये अच्छे से डोरी नहीं बंधी है, तो मैंने बस ऐसे ही कपड़े डाल दिए हैं, ये देखिए। तो ये उतनी अच्छी डोरी नहीं बंधी है, तो मैं डोरी मंगा रही हूँ इनसे, ताकि कपड़े कल से अच्छे से सूख पाए। और बस अब तो कुछ दिन तक ऐसे ही काम काम रहने वाला है। मतलब सोचो कि जिस टाइम, जिस दिन इतना सोचो हाँ इतना हो जाएगा, बट उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर काम में से काम निकलता रहता है। सो छोटे मोटे काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत क्या बोलते हैं, फिर बच्चे को भी देखना है, सो ये सारी चीज़ें हैं। तभी मेरे घर की हालत कितनी सुंदर हो रखी है, मैं चलिए दिखाई देती हूँ आपको। ये देखिए मेरे घर की हालत। यहाँ पर मुझे एक झाड़ू मिल गई थी ऑलरेडी से, तो मैंने वो झाड़ू भी अनपैक नहीं किया अभी तक। सो यस, ये है मेरे घर की हालत। सो ये है मेरे घर का हाल फिलहाल। चलिए अब तो एक काम लगा ही रहेगा, बस जल्दी जल्दी एक बार सेट हो जाए, उसके बाद आप लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे हो होम टूर के लिए, तो मैं जल्दी से इधर आ जाओ, जल्दी से आप लोगों को टूर देने का कोशिश करूंगी। और टूर तभी दूंगी जब अच्छे से पूरा घर सेट हो जाएगा, और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सोच रखी हैं। धीरे धीरे आप लोगों के साथ आगे आने ब्लॉग्स में बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। सो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। जल्दी मिलूंगी मैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय। नन्नू की ड्रामाबाजी जा रही है। नन्नू बाय बाय कर दे शोना, नन्नू बाय बाय कर दे नन्नू। नन्नू की चोटी हो गई, एक ऊपर चोटी हो गई नन्नू की।